गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ओपन पेज 115 यानी 115। आज हम देखेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन कैसे होता है। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का मतलब है कि जीन का जो एक्सप्रेशन हो रहा है, यानी जीन क्या होता है, डीएनए का एक सेगमेंट फंक्शनल यूनिट है, वो एक्सप्रेस कैसे होती है। पहले उसे एमआरएनए बनता है और फिर उसे प्रोटीन बनता है, इसे जीन का एक्सप्रेशन कहते हैं। ये किस तरह से रेगुलेट होगा, ये रेगुलेट होगा अलग अलग लेवल्स पर। जैसा कि इन्होंने बताया, सबसे पहला है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। इसका मतलब ये है कि सारे जो डीएनए के मटेरियल होते हैं, यानी कि जीन्स होते हैं, सारे एक साथ ट्रांसक्राइब नहीं होते, तो सबके एमआरएनए नहीं बनते, जिनकी ज़रूरत होती है उनके ही एमआरएनए बनते हैं। तो इस लेवल पर भी क्या है, कंट्रोल है सेल के अंदर। दूसरा प्रोसेसिंग लेवल, जो आवश्यक नहीं है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट यानी कि एचएनआरएनए, उसकी स्प्लाइसिंग नहीं होगी, यानी कि फंक्शनल एमआरएनए उसका नहीं बनेगा। तो ये दूसरा लेवल है कंट्रोल का यानी रेगुलेशन का। तीसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म, है ना, जो आवश्यक नहीं है उसका ट्रांसपोर्ट भी नहीं होगा। ट्रांसलेशनल लेवल, यानी कि जो आवश्यक नहीं है उसका ट्रांसलेशन भी नहीं होगा। तो सेल के अंदर क्या है कि इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने की मैकेनिज्म्स हैं, जिसके द्वारा वो कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन से जीन एक्सप्रेस होंगे कितने अमाउंट में। क्योंकि अगर रेगुलेशन यानी कि कंट्रोल नहीं होगा, तो क्या होगा कि सारे जीन्स अनकंट्रोल्ड तरीके से एक्सप्रेस होते जाएंगे और एमिनो एसिड्स और प्रोटीन्स बनते जाएंगे, जो कि सेल के लिए आवश्यक नहीं है। इसके बाद बात आती है, जीन्स इन अ सेल आर एक्सप्रेस टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन और अ सेट ऑफ फंक्शंस, और इन्होंने एक एग्जांपल दिया है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, जिसको कि ईकोलाई बनाता है, उसका फंक्शन है हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसेकेराइड लैक्टोज इनटू गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। लैक्टोज का ब्रेकडाउन जब होता है तो ये बनाता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है। ये दोनों मोनोसेकेराइड है और ये डाइसेकेराइड है। तो एक डाइसेकेराइड टूट के क्या बना रही है, दो मोनोसेकेराइड बना रही है। कौन सा एंजाइम यहाँ रोल प्ले करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। उसका रीजन ये है कि ये जो दोनों मोनोसेकेराइड हैं, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, इनके बीच में जो लिंकेज है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइड लिंकेज है, उसको ब्रेक ये वाला एंजाइम करता है। बैक्टीरिया यूजेस देम फॉर द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड हेंस इफ बैक्टीरिया डू नॉट हैव लैक्टोज अराउंड टू बी यूटिलाइज्ड। तो इसका मतलब क्या है कि अगर बैक्टीरियल सेल बीटा गैलेक्टोसाइड नाम का एंजाइम बना रहा है, इसका मतलब उस सेल के आसपास लैक्टोज मौजूद है, जिसको यूज करने के लिए यानी जिसको ब्रेक डाउन करने के लिए ये वाला जो सेल है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम का एंजाइम बना रहा है, ठीक है। ये इसका सिग्निफिकेंस है। इसका मतलब ये है कि जब लैक्टोज एब्सेंट होगा उस कंडीशन में बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनना चाहिए, इसी चीज़ को रेगुलेशन कहा जाता है। दे वुड नो लॉन्गर रिक्वायर द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम, देयरफॉर इन सिंपल टर्म्स इट इज द मेटाबॉलिक फिजिकल एंड एनवायरमेंटल कंडीशन दैट रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन। तो एनवायरमेंट में जब लैक्टोज आएगा उसके आसपास के एरिया में, तब वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा, इसी चीज़ को रेगुलेशन कहा जाता है। डेवलपमेंट एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ एम्ब्रियो इनटू एडल्ट ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो रिजल्ट ऑफ कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन ऑफ एक्सप्रेस ऑफ सेवरल सेट ऑफ जीन्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि एनवायरनमेंट में होने वाले जो चेंजेस हैं वो बेबी के अंदर यानी एम्ब्रियो के अंदर होने वाले जो मेटाबॉलिक चेंजेस हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं। एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस के हिसाब से बेबी के अंदर जीन एक्सप्रेस होते हैं और फिर नए जीन प्रोडक्ट्स यानी कि प्रोटीन्स बनते हैं। अब देखो प्रोकैरियोट्स का क्या दिया है, इन प्रोकैरियोट्स कंट्रोल ऑफ द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन इज प्रीडोमिनेंट साइट फॉर कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। इस बस स्टेटमेंट का मतलब यह है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जीन एक्सप्रेशन जो है वो कंट्रोल पहले लेवल पर ही हो जाता है, यानी ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पर, कि किन जीन का ट्रांसक्रिप्शन होना यानी कि किन का एमआरएनए बनना है।
इन अ ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट द एक्टिविटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एट अ गिवन प्रोमोटर इज इन टर्न रेगुलेटेड बाय इंटरेक्शन ऑफ एसेसरी प्रोटीन्स विच अफेक्ट्स इट्स एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज स्टार्ट साइट। अब एक डायग्राम बनाते हैं और उस डायग्राम से इनकी बात को समझते हैं। देखो फिगर 6.14 में उन्होंने एक जीन सीक्वेंस बनाई है और इस जीन सीक्वेंस में सबसे पहले प्रेजेंट है पी, फिर प्रेजेंट है वाई, फिर प्रेजेंट है टी, फिर प्रेजेंट है ओ, फिर प्रेजेंट है जेड, फिर प्रेजेंट है वाई और फिर प्रेजेंट है टी। ये क्या चीज है? ये लेग ऑपेरॉन, ये इसको हम कहते हैं लेग ऑपेरॉन, ये जो तुम्हारे सामने है। और लेग ऑपेरॉन का मतलब क्या है? सेट ऑफ जीन्स इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ बीटा इलेक्ट्रोसाइडेज। ठीक है, ये उन जीन्स का सेट है जो कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज का रेगुलेशन करती है, यानी बीटा गैलेक्टोसाइडेज को बनाती है या कंट्रोल करती है, उसे लैक ऑपेरॉन कहते हैं। इसे लैक ऑपेरॉन क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी अभी तुमने ये पढ़ा कि लैक यानी कि लैक्टोज का जो ब्रेकडाउन है उसको बीटा गैलेक्टोसाइडेज करता है, तो वो सेट ऑफ जीन्स जो कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज का प्रोडक्शन को रेगुलेट करेगा उसको हम लैक ऑपेरॉन कह सकते हैं। ऑपेरॉन शब्द का मतलब होता है सेट ऑफ जीन्स, तो वो सेट ऑफ जीन्स जो लैक्टोज के ब्रेकडाउन को कंट्रोल करेगा उसे हम लैक ऑपेरॉन कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो अलग अलग स्टेटमेंट्स लेटर्स हैं इनका क्या मतलब होता है? देखो अभी हम ये पढ़ के आएंगे हर एक जीन के अपस्ट्रीम रीजन में, अपस्ट्रीम यानी कि 5' में। जैसे सपोज करो कि ये वाला जो पार्ट है ये स्ट्रक्चरल पार्ट है। स्ट्रक्चरल जीन उस जीन को कहते हैं जिसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, जिससे हमारे में बनता है। तो ये जेड वाई और ए तीनों जीन्स क्या क्या इनका होगा? इनसे mRNA बनेगा। इसके 5' एंड में यानी कि अपस्ट्रीम में इधर 3 है इधर 5 है। ठीक है, तो जेड वाई और ए इनका 5' काम हुआ इधर। यहाँ पर ये जो सीक्वेंस होती है इसे कहते हैं ओ मीन्स ऑपरेटर, टी का मतलब टी यहाँ भी है, टी मीन्स होता है प्रमोटर और आई का मतलब होता है रिप्रेसर। ठीक है, आई मीन्स होता है रिप्रेसर। अब ये जो मैंने तुम्हारे सामने बनाया है ये लैक ऑपेरॉन है और इसी ऑपेरॉन के लिए इन्होंने क्या कहा है कि कुछ अलग अलग तरह के रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं जो पॉजिटिवली और नेगेटिवली रेगुलेट करते हैं। उनमें जो पॉजिटिवली रेगुलेट करते हैं उन्हें एक्टिवेटर्स कहते हैं, जो नेगेटिवली रेगुलेट करते हैं उन्हें रिप्रेसर कहा जाता है। अब तुम ये देखो कि यहाँ पर ये जो जीन सीक्वेंस है जैसे पी आई पी ओ, ये इन सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? दीज आर रेगुलेटरी सीक्वेंस। और ये रेगुलेटरी सीक्वेंस इन स्ट्रक्चरल जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करती है। तो ये जो कलेक्शन होता है जिसमें कि स्ट्रक्चरल जीन जिससे mRNA बनेगा और ये वाली जीन जो कि रेगुलेट करती है, इस पूरे को मिला के ऑपेरॉन कहा जाता है। ये जो ऑपेरॉन है ये लैक्टोज को कंट्रोल करेगा, लैक्टोज के ब्रेकडाउन को, क्योंकि इन एंजाइम का जो जीन प्रोडक्ट है, इनका जो जीन प्रोडक्ट होगा जेड वाई और ए का, वो होगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो कि लैक्टोज को ब्रेक करती है। ठीक है, इसीलिए इस पूरे सेट को कहते हैं लैक ऑपेरॉन। लैक ऑपेरॉन किस में प्रेजेंट होता है? बैक्टीरिया में स्टडी किया गया सबसे पहले, और इसीलिए स्टडी करने के दौरान हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रोकैरियोट्स की, कि प्रोकैरियोट्स में कैसे होता है। इसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा है। प्रोटीन के टाइप्स दिए हैं, एक तो पॉजिटिव वाले जो जीन प्रोडक्ट को बनाते हैं ज़्यादा उन्हें एक्टिवेटर्स कहते हैं, जो उसको कम करते हैं उनको क्या कहते हैं? रिप्रेसर।
एक्सेसिबिलिटी ऑफ प्रोमोटर रीजन ऑफ प्रोकैरियोटिक डीएनए इन मेनी केसेस इज रेगुलेटेड बाय इंटरेक्शन ऑफ प्रोटीन्स विद सीक्वेंसेस कॉल्ड ऑपरेटर्स। ऑपरेटर का फंक्शन क्या होता है कि ऑपरेटर पर ऑपरेटर वो जगह होती है जहाँ से आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड करता है। आरएनए पॉलीमरेज जब ऑपरेटर पर बाइंड करेगा तो क्या होगा, इनका एक्सप्रेशन शुरू हो जाएगा, यानी कि इनसे एमआरएनए बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल आरएनए पॉलीमरेज को पहले ही आकर रोक दे तो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से बाइंड नहीं कर पाएगा और उसके बाद क्या होगा, इनका जो एमआरएनए फॉर्मेशन था जेड वाई और ए का वो वहीं पर रुक जाएगा। इस तरह से जीन का जो एक्सप्रेशन होता है वो रेगुलेट यानी कि कंट्रोल किया जाता है। अब देखो ऑपरेटर की फंक्शन तो मैंने बता दी है ना, प्रमोटर वो सीक्वेंस होते हैं जो कि अपस्ट्रीम यानी कि फाइव प्राइम एंड पर मौजूद होते हैं। ऑपरेटर रीजन इज एडजेसेंट टू प्रमोटर एलिमेंट्स इन मोस्ट ऑपेरॉन्स एंड इन मोस्ट केसेस सीक्वेंस ऑफ ऑपरेटर बाइंड्स द रिप्रेसर प्रोटीन। ऑपरेटर से एक और प्रोटीन बाइंड कर सकता है जिसका नाम है रिप्रेसर। अगर रिप्रेसर बाइंड कर जाता है तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाएगा और ये प्रोसेस नहीं होगा। अगर आरएनए पॉलीमरेज आ जाता है तो उस केस में क्या है, ये बाइंड नहीं कर पाएगा और एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो इस तरह से ये कंट्रोल होता है। ईच ऑपेरॉन हैज इट स्पेसिफिक ऑपरेटर एंड स्पेसिफिक रिप्रेसर। फॉर एग्जाम्पल लैक ऑपेरॉन इज प्रेजेंट ऑनली इन द लैक ऑपेरॉन लैक ऑपरेटर एंड इंटरेक्ट स्पेसिफिकली विद लैक रिप्रेसर ऑनली। यानी कि यहाँ पर जो रिप्रेसर प्रोटीन आएगा वो सिर्फ लैक रिप्रेसर ही होगा, स्पेसिफिक प्रोटीन है। उस प्रोटीन को कौन बनाएगा, वो प्रोटीन बनेगा आई से। आई नाम का जो ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होने से क्या बनता है एमआरएनए, और ट्रांसलेशन से फिर जो प्रोटीन बनेगा उसका नाम होगा रिप्रेसर प्रोटीन। अब ये जो रिप्रेसर, ये रिप्रेसर की टेंडेंसी ये है कि वो जाके ऑपरेटर पे बाइंड करेगा अगर उसे कोई रोक ना ले। अगर इसको किसी ने यहीं पर रोक लिया रिप्रेसर, सपोज करो रिप्रेसर से दूसरा मॉलिक्यूल आकर जुड़ गया जिसका नाम है को रिप्रेसर, तो उस केस में रिप्रेसर यहीं रुक जाएगा है ना। और अगर रिप्रेसर यहीं रुक गया वहाँ नहीं जा पाया तो वहाँ पर कौन जुड़ेगा जाके, आरएनए पॉलीमरेज, और एक्सप्रेशन हो जाएगा। लेकिन सपोज करो कि को रिप्रेसर नाम का ये मॉलिक्यूल यहाँ नहीं, तो रिप्रेसर को कोई रोक नहीं पाया, रिप्रेसर जाके यहाँ जुड़ जाएगा और तब आरएनए पॉलीमरेज नहीं जुड़ पाया। तो ये लैक ऑपेरॉन की दो कंडीशन है कि या तो ये रिप्रेसर नाम का जो प्रोटीन है ये वहाँ जाके बाइंड करने में सफल हो जाएगा या फिर ये असफल होगा है ना। वो और इन दोनों ही बात पर ये डिपेंड करेगा कि आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर पाता है या नहीं कर पाता है। लैक ऑपेरॉन के बारे में देखो इन्होंने क्या दिया है, इन इसको सबसे पहले दो जेनेटिसिस्ट ने डिस्कवर किया था, जैकब एंड मॉनर्ड, फ्रेंकोइस जैकब एंड जैक मॉनर्ड, ये नाम याद रखने, जैकब एंड मॉनर्ड, इन्होंने सबसे पहले लैक ऑपेरॉन को डिस्कवर किया था। अब लैक ऑपेरॉन में देखो क्या होता है, लैक ऑपेरॉन के अलावा कुछ एग्जाम्पल्स और दिए इन्होंने, ट्रिप ऑपेरॉन टीआरपी, टीआरपी का मतलब क्या है, ट्रिप्टोफेन ऑपेरॉन, ट्रिप्टोफेन नाम के एमिनो एसिड के रेगुले के मेटाबॉलिज्म से जुड़ा हुआ जो ऑपेरॉन है उसे टीआरपी ऑपेरॉन कहते हैं। इसी तरह से एआरए, एचआईएस और वीएएल का एग्जांपल दिया है। अब देखो इन्होंने किस तरह से समझाया है, लैक ऑपेरॉन कंसिस्ट ऑफ वन रेगुलेटरी जीन, ये रेगुलेटरी जीन है क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट है वो रेगुलेट करता है आई जीन। हेयर द टर्म आई डज नॉट रेफर टू इंड्यूसर, ना तो ये इंड्यूसर है बल्कि आई का मतलब यहाँ पर इनहिबिटर। तीन स्ट्रक्चरल जीन होते हैं जेड वाई और ए। आई जीन कोड्स फॉर रिप्रेसर ऑफ लैक ऑपेरॉन, वो तो मैंने लिख ही दिया। जेड जीन कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, तो जेड का जो जीन प्रोडक्ट है वो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, यानी कि ये वो एंजाइम है जिस जो ब्रेक डाउन करेगा लैक्टोज का। वाई जो होता है इसका फंक्शन होता है परमीएंस। लैक जेड कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई कोड्स फॉर परमीएंस। परमीएंस
एंड ए कोड फॉर ट्रांस एसिटाइलेज और ये जो दोनों हैं ट्रांस एसिटाइलेज और परमीज, इनका फंक्शन ये है कि ये सेल के अंदर आने को अलाउ करते हैं, इसको को रिप्रेसर को। अब सपोज करो कि ये एक सेल है, उसके अंदर ये सारे जीन्स हैं न्यूक्लियस के अंदर, है ना, न्यूक्लियोलस के अंदर, तो और बाहर की तरफ प्रेजेंट है लैक्टोज। अब लैक्टोज को अंदर आने के लिए कौन अलाउ करेगा, ट्रांसएसिटाइलेज और परमीज, है ना। और जैसे ही ये वाले जो प्रोटीन्स हैं परमीज और ट्रांसएसिटाइलेज, ये जैसे ही बनेंगे तो लैक्टोज क्या हो जाएगा, इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आ जाएगा। अंदर आने के बाद ये लैक्टोज क्या काम करता है, ये को रिप्रेसर की तरह काम करेगा और किससे बाइंड कर जाएगा, रिप्रेसर से, कि तू यहीं पर रुक जा, है ना, और ऑपरेटर तक बाइंड नहीं हो, ठीक है। अब ये जो को रिप्रेसर होता है, को रिप्रेसर यानी कि लैक्टोज जो अभी अभी अंदर आया, वो रिप्रेसर से बाइंड करके इसे यहीं रोक लेगा, यानी कि एक तरह से इंड्यूसर का काम करेगा और उस कंडीशन में आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर बाइंड कर जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज यहाँ बाइंड करेगा, इन सब पर क्या शुरू हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन और फिर प्रोटीन फॉर्मेशन। अब तुम ये देखो कि परमीज और ट्रांसएसिटाइलेज जो बन रहे थे यहाँ पर, उन्होंने ही परमिशन दी किसको, लैक्टोज को अंदर आने के लिए, इस रिप्रेसर को यहीं रोकने के लिए, जिससे क्या आरएनए पॉलीमरेज यहाँ बाइंड हुआ और इनका एक्सप्रेशन हुआ। अब तुम कहोगे कि ये प्रोसेस जब स्टार्ट ही नहीं था, शुरू ही नहीं था, तो फिर परमीज और ट्रांसएसिटाइलेज कैसे बन रहे थे ताकि इसको अंदर एंट्री मिले। इसका आंसर ये है कि ये वाला जो ओपेरॉन है वो हर समय थोड़ा थोड़ा चलता रहता है, थोड़ा, है ना। और बाहर से जब लैक्टोज अंदर आ जाता है और इस मैकेनिज्म से ये प्रोसेस शुरू हो जाता है, तो वो तेजी से होने लगता है, यानी कि थोड़ा थोड़ा वो हर समय चलता रहता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखो पेज 117 पर। लैक्टोज इज द सब्सट्रेट फॉर एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड इट रेगुलेट स्विचिंग ऑन एंड ऑफ ऑफ ओपेरॉन, हेंस इट इज टर्मड एज इंड्यूसर, इन्हें लिख दिया। इन द एब्सेंस ऑफ अ प्रिफर्ड कार्बन सोर्स सच एज ग्लूकोज, इफ लैक्टोज इज प्रोवाइडेड इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया, लैक्टोज इज ट्रांसपोर्टेड इन टू सेल थ्रू द एक्शन ऑफ परमीज, मैंने बता ही दिया। रिमेंबर अ वेरी लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लैकोपेरॉन हैज टू बी प्रेजेंट इन द सेल ऑल द टाइम, यानी वो थोड़ा थोड़ा हर समय ऑन रहना चाहिए, अदरवाइज लैक्टोज कैन नॉट एंटर द सेल, है ना। थोड़ा थोड़ा अगर ऑन नहीं रहेगा, परमीज और ट्रांसएसिटाइलेज नहीं बनेगी, तो लैक्टोज अंदर एंटर कैसे करेगा, ठीक है। और अगर वो अंदर एंटर नहीं करेगा तो वो को रिप्रेसर की तरह काम करके रिप्रेसर को रोकेगा कैसे, ये सारी बातें हैं। इसके बाद रिप्रेसर ऑफ द ऑपरेटर इज सिंथेसाइज ऑल द टाइम कॉन्स्टिट्यूटिवली, यानी कि आईजीन हमेशा एक्सप्रेस होती रहती है, रिप्रेसर हर समय बनता रहता है। बाइंड्स टू द ऑपरेटर रीजन एंड प्रिवेंट्स आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन, इन द प्रेजेंस ऑफ एन इंड्यूसर सच एज लैक्टोज एंड एलोलैक्टोज, रिप्रेसर इज इनएक्टिवेटेड बाई इंटरेक्शन विद द इंड्यूसर, दिस अलाउज आरएनए पॉलीमरेज एक्सेस टू प्रमोटर एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड्स। एसेंशियली रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरॉन कैन बी विजुअलाइज्ड एज रेगुलेशन ऑफ एंजाइम सिंथेसिस बाई इट्स सब्सट्रेट। रिमेंबर ग्लूकोज और गैलेक्टोज कैन नॉट एक्ट एज इंड्यूसर्स फॉर लैकोपेरॉन, कैन यू थिंक ऑफ हाउ लॉन्ग द लैकोपेरॉन वुड बी एक्सप्रेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। इसका आंसर ये है कि ये जो प्रोसेस है ये तब तक चलेगा जब तक कि वहाँ पर इस सेल के आसपास लैक्टोज है, क्योंकि अगर लैक्टोज इस सेल के आसपास नहीं होगी तो अंदर आकर इंड्यूसर यानी कि को रिप्रेसर का काम कौन करेगा। जैसे ही लैक्टोज ख़त्म हो जाएगी, अंदर कोई नहीं आएगा, तब ये प्रोसेस भी रुक जाएगा और उस कंडीशन में क्या है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का प्रोडक्शन भी रुक जाएगा। तो इसको हम साधारण शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि जैसे ही सेल का फूड यानी कि सब्सट्रेट ख़त्म हुआ, उसको डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम है उसका प्रोडक्शन भी रुक गया, ठीक है। नहीं तो एंजाइम लगातार बनता रहेगा, उसका क्या लाभ, जब आसपास फूड ही नहीं है तो उसको प्रोड्यूस करने का कोई लाभ नहीं। इस तरह से जीन एक्सप्रेशन रेगुलेट होता है, ठीक है। अब देखो इसके लिए इन्होंने क्या लिखा है,
रेगुलेशन ऑफ लेकोपेरॉन इज रेफर टू एज नेगेटिव रेगुलेशन। नेगेटिव रेगुलेशन का क्या मतलब होता है? नेगेटिव रेगुलेशन मतलब है कि रिप्रेसर जो है वो हर समय बनता रहता है। रिप्रेसर तभी इनएक्टिवेट होगा जब बाहर से लैक्टोज आकर इसको क्या करेगा, इसको यहीं पर बाइंड करके इसको इनएक्टिवेट कर देगा। कुछ ऐसे भी होते हैं ओपेरॉन जिसमें क्या होता है कि हर समय रिप्रेसर नहीं बनता, रिप्रेसर स्पेसिफिक कंडीशन में बनता है। तो ये ओपेरॉन यानी ये सेट ऑफ जीन्स कब एक्टिवेट होगा? जब मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट होगा, है ना। और जो दूसरे होते हैं जिनको पॉजिटिवली रेगुलेटेड ऑपेरॉन्स कहते हैं, वो कैसे होते हैं? वो हर समय ऑन रहते हैं, कभी कभी ऑफ होते हैं। ये हर समय ऑफ रहता है, ये तभी ऑन होता है जब लैक्टोज रहेगा। ये हैं अलग अलग टाइप के ऑपेरॉन्स। तो ऑपेरॉन्स से जुड़े हुए जो कंसेप्ट हैं वो सब तुम आज लोग पढ़ना और मेरे से इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछना। कल हम पढ़ेंगे ह्यूमन जीनोम।